नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। लगातार सोशल मीडिया पर चल रही धार जिले में रविवार को लॉकडाउन की अफवाह पर विराम लगाते हुए धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने टेलीफोनिक चर्चा में बताया कि धार में रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। वही बाजार रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। वही धार कलेक्टर के द्वारा लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील जनता से की है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि व्यापारिक गतिविधियां चालू रहें, उसको देखते हुए अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ने किसी प्रकार के लॉकडाउन न करने का निर्णय लिया है, किंतु सभी ने यह तय पाया है कि व्यापारी संगठनों की भी डिमांड है और बाकी सभी जनप्रतिनिधियों की भी मंशा है कि रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, दुकानें बंद रखी जाए और अनावश्यक लोग सड़कों पर न घूमें फिरें। इसके बारे में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया है कि इसका सख्ती से पालन पूरे जिले में सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, व्यापारी संगठन हैं, उनसे पुनः अनुरोध किया जा रहा है कि वहां पे जो लोग भी आते हैं, किसान आते हैं, उनको मास्क वितरण करने का, व्यापारी के हैं जो लोग आते हैं उनको मास्क वितरण करने का, इसकी कार्रवाइयाँ लगातार करें।